ये समूचे भारत सकल जैन समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन 21 तारीख को किया जा रहा है, उस संदर्भ में आज हमने एक पूरे हमारे मुनि महाराज दिगंबर और श्वेतंबर टोटल सकल जैन समाज की तरफ से एक आह्वान किया गया था 21 दिसंबर को समूचे जैन समाज व्यापारिक संगठन ऑफिस स्कूल बच्चों के सबों को मतलब बिल्कुल हड़ताल करके और इसका विरोध प्रदर्शन करना है। विरोध का कारण यह है कि हमारे झारखंड के अंदर जो सम्मे शिखल जी कहलाया जाता है पार्श्वनाथ हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसको तीर्थ स्थल नहीं बना करके पर्यटन स्थल बनाया गया है। अभी जनवरी के अंदर उन्होंने एक वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई मेला भरा गया था वहाँ पे लाखों की तादाद में वहाँ पर जहाँ हम बिना सिले हुए कपड़े और नंगे पैर भूखे प्यासे 27 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं सर्दी गर्मी बरसात उस क्षेत्र पर गवर्नमेंट सरकार राजस्थान हो या झारखंड सरकार हो या अपनी केंद्र सरकार हो बीजेपी की या कोई भी सरकार हो इसने ऐसा मेला भरा कि वहाँ पे अश्लीलता दारू का उपयोग और मतलब अपने मांस मदिरा का उपयोग किया गया। ये पता नहीं क्या चाहती है सरकार जैनों पे ऐसा प्रहार कर रही है कि जैनियों के लिए ये मतलब सबसे बड़ा आज जो टैक्स पेयर है वो जैन है हिंदुस्तान का और उसी के ऊपर ये प्रहार कर रही है। इसका इसके पीछे क्या है क्या नहीं है ये सरकार जाने। हम तो सरकार से ये कहते हैं या तो ये अपना निर्णय वापस ले नहीं तो सड़क जैन जो है वो अहिंसावादी है मगर कायल नहीं है। इस बात को मोदी सरकार हो या झारखंड सरकार हो वो इस बात को बहुत गहरता से सोचे और इसके अपने आदेश जो पर्यटन स्थल बनाने का उसको जल्द से जल्द वापस ले नहीं तो जैन समाज को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। आज जैन समाज ने समूचे भारत के अंदर अपने प्रतिष्ठान बंद करे हैं, बच्चों को स्कूल से छुट्टी दिलाई है और जितने भी ऑफिस में या कहीं भी हैं उन सबों ने अपनी छुट्टी रखी है, विरोध प्रदर्शन करा है और ये विरोध करने का है। केंद्र सरकार को आपने पोस्ट कार्ड हमने ये केंद्र सरकार को करीब 1 लाख पोस्ट कार्ड हम पोस्ट कर रहे हैं उसके आज से हमने कार्रवाई चालू करी है और वो पोस्ट कार्ड हम 2-3 दिन में केंद्र सरकार के मतलब प्रधानमंत्री के निवास स्थल तक पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं जो 1-2 दिन के अंदर हम पहुँचा देंगे। आपका नाम विवेक जैन सकल जैन समाज अजमेर।